हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपके लिए तीन फ्लेवर के आम के मुरब्बे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, आप भी इसको अपने घर पे इजीली बना सकते हैं। आप चाहें तो तीनों फ्लेवर बनाइए, आप चाहें तो एक ही फ्लेवर बनाइए। तीनों के तीनों फ्लेवर एक दूसरे से बेहद टेस्टी बनते हैं और यूनिक रेसिपी है, ये यूनिक फ्लेवर है, आप इसको अपने घर पे ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे आम के मुरब्बे की रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तब नई नई यूनिक रेसिपीज़ आपके लिए लाने का हमारा हौसला बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीन बड़े आम लिए हैं। राजापुरी आम है, ये स्पेशली मुरब्बे के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनको हमने धो लिया है और अब हम इसको पिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको पिल कर दिया है, अब हम इसको ग्रेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये मीडियम साइज़ का ग्रेटर लिया है। इसमें तीन साइज़ है, ये बड़ी साइज़ वाला है, यहाँ पर ये छोटी साइज़ वाला है, लेकिन हम इसको मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ही ग्रेट करेंगे। मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट करने से आम का मुरब्बा जल्दी तैयार हो जाता है और रसीला बनता है। फ्रेंड्स, हमें आम को इस तरह से वर्टिकली ग्रेट करना है। वर्टिकली हम इसको रखेंगे और इसको ग्रेट करेंगे। तीनों आम को हमें इसी तरीके से कद्दूकस कर लेना है। तीनों आम को हमने ये देखिए यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है और ये मीडियम साइज़ का इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला लिया है और इसमें हम ये कद्दूकस किया हुआ आम डालेंगे। हम इसको कप मेजरमेंट के साथ डालेंगे, तो कप को हमें इस तरीके से फुल भर लेना है। अगर आपके पास कप ना हो तो आप कटोरी भी ले सकते हैं। एक कप के लिए हम यहाँ पर 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे। कप को हमें इस तरह से बिल्कुल फुल भर के ही लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप वेट के हिसाब से देखेंगे तो 1 किलो कच्चे आम के लिए 1/4 किलो शुगर लेनी है और कप मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप के लिए हमें 1/4 कप शुगर लेनी है। तो यहाँ पर ये 3.5 कप जितना हुआ है, ये देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3 फ्लेवर के आम के मुरब्बे बना रही हूँ और 1 फ्लेवर जो है वो बिना नमक वाला है, तो अभी हम इसमें नमक ऐड नहीं कर रहे हैं। आप बिना नमक वाला अगर नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं और नमक ऐड करने के बाद मुरब्बे में से थोड़ा पानी निकलता है। अभी हमें इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है। कई लोग क्या करते हैं, इस तरीके से निचोड़ के इसका पानी निकाल देते हैं, लेकिन उसकी वजह से फिर क्या है, जो मुरब्बा है वो बिल्कुल गाढ़ा बनता है, उसमें रस बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसलिए इसका पानी बिल्कुल भी ना निकालें। अब हम इसमें डायरेक्टली शुगर ऐड करेंगे। हमने ये कद्दूकस किया हुआ आम 3.5 कप जितना लिया है और अभी हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। 4 कप भर के मैं यहाँ पर शुगर ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा कम शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए, टोटल मैंने यहाँ पर 4.5 कप शुगर ली है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर आप इस तरीके से छोटी साइज़ वाली पसंद करेंगे तो वो फटाफट गल जाती है और जो मुरब्बा है वो जल्दी तैयार हो जाता है। अभी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से चलाना है। फ्रेंड्स, कई लोग क्या करते हैं कि ये जो कद्दूकस किया हुआ आम है उसका पानी निकाल देते हैं, तो जो खट्टापन है आम का वो भी निकल जाता है और वो जो मुरब्बा बनता है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा बनता है। लेकिन अगर हम इसका पानी नहीं निकालते हैं तो इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। हमें इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए, शुगर जो है वो पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शुगर पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसको बांध के धूप में रखेंगे। हम ये मुरब्बा धूप में बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं काले कपड़े से इसको बांध देती हूँ। 3 से 4 दिन के लिए हम इसको धूप में रखेंगे और सुबह शाम दोनों टाइम हमें इसको अच्छे से चलाना है, मिक्स करना है और फिर धूप में रखना है। अगर आप काले कपड़े में इसको बांध के रखेंगे तो मुरब्बा जल्दी रेडी होता है। नॉर्मली अगर 5 दिन लग रहे हैं तो ये 3 दिन में ही तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले दिन ही शाम को आपको दिखा रही हूँ और ये देखिए,
शुगर जो है वो कितना फटाफट पिघल चुकी है। धूप अभी बहुत तेज़ है, गर्मियों का टाइम है और ये देखिए कितना बढ़िया रसीला हमारा ये मुरब्बा तैयार हो रहा है। अभी हम इसको दो दिन के लिए और रखेंगे और दोनों टाइम हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। धूप की वजह से ये मुरब्बा अभी भी बहुत गर्म है, तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे तो इसकी शुगर जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पिघल जाएगी। वापिस हम इसको बांध के रख देंगे। 2 दिन हमें इसको और धूप में रखना है। तो फ्रेंड्स, तीसरे दिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारा मुरब्बा जो है वो रेडी हो चुका है। ये आम जो है वो अच्छे से गल गया है और इसकी शुगर सिरप बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अभी हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैं यहाँ पर 3 फ्लेवर के मुरब्बे बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर 4 लौंग लेंगे और इसमें हम यहाँ पर काली मिर्ची ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितनी। इसी के साथ हम यहाँ पर 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से कूट लेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम इसमें ये तेज़पत्ता ऐड करेंगे और इसे भी कूट लेंगे। तेज़पत्ता हमें इस तरीके से कूटना है और अभी हम इसको फर्स्ट कटोरी में ऐड कर रहे हैं। साथ में ही 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की है और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का ऐड कर रहे हैं। इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, हमने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अभी दूसरे फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं यहाँ पर तीखी लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, 1 छोटा चम्मच जितनी ही मैंने यहाँ पर ली है क्योंकि ये क्वांटिटी कम है। और 2 चम्मच मैं यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्ची के ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ये भर के लिए है। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये थेपले रोटी सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। और राजकोट में जो गोर्धन बाई की लाल चटनी मिलती है ना, वैसा ही बनता है और वही फ्लेवर ये देता है। तो इस रेसिपी को तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए। अब हम 3rd फ्लेवर वाला मुरब्बा बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ बिना नमक वाला और इसमें हम और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, गुजरात में जब लड़कियां गौरी व्रत रखती है तब 5 दिन के लिए वो लोग नमक बिल्कुल भी नहीं खाती हैं और ऐसे वक्त में उनको ये मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है। तो अब की बार अगर आपके घर में भी कोई गौरी व्रत रखता है तो आप उनको ये मुरब्बा ज़रूर खिलाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारे 3 फ्लेवर के मुरब्बा रेडी हो चुके हैं। मुरब्बे को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास के जार लिए हैं छोटी साइज़ के, इनको धो के अच्छे से और धूप में सुखा लेना है और अभी हम इनमें मुरब्बा ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, मुरब्बे को स्टोर करने के लिए ग्लास जार का ही यूज़ करें और ये 1 साल तक ख़राब नहीं होता है अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको सभी नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।